हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लोग 115 एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग 116 नंबर से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन में देखें क्या बोला है। 116 में बोला है कि 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए 10 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 100 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1000 मिलीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 10,000 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1000 मिलीमीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो 100 का अगर 10 में इंटू होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 मिलीमीटर। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बोला गया है इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। पहली बात तो क्या है, ये वी ब्लॉक है, इसका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है वी ग्रूव्ड वी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। तो अगर डायग्राम देखें तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। यहाँ देखिए, ये जो सिरा आपका है ये कहलाता है हमारा ग्रूव कहलाता है, और इसका ग्रूव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जॉब को जब फिक्स करना होता है तो क्लैंपिंग के लिए। ये आपका कहलाता है फ्लैंक है आपका, ये कैसा है, ये आपका फ्लैंक कहलाता है। और इसके बीच का जो ये एंगल होता है, ये जो एंगल होता है वो एंगल होता है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल होता है। ये वाली जो हमारी सरफेस होती है ये कहलाती है टॉप सरफेस। ये हमारी क्या कहलाती है, टॉप सरफेस कहलाती है। इसके बाद ये तो आपका हो गया ग्रूव, तो ये वाला भी सिरा भी आपका ग्रूव हो गया। ये आपकी साइड फेस हो गई, ये आपका बेस है, नीचे वाला सिरा जो आपका बेस कहलाएगा। और ये जो सिरा होता है ये आपका स्लॉट होता है एक, जिसका यूज़ किया जाता है ड्रिलिंग ऑपरेशन के समय क्लियरेंस के लिए। ड्रिलिंग ऑपरेशन जब होता है उस समय क्लियरेंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कैसा है, यहाँ देखते हैं। लेवल की बात करें तो लेवल का मतलब होता है ग्रूव कितने हैं, वी ग्रूव कितने हैं, जितने वी ग्रूव होंगे वही लेवल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे वी ग्रूव कितने हैं, एक ही वी ग्रूव है। कितना है, एक वी ग्रूव है यहाँ पे, तो एक लेवल हो गया। और ग्रूव की अगर बात करें तो यहाँ एक है यहाँ एक है, तो मतलब सिंगल ग्रूव। तो ये कौन सा हो गया, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक आपका राइट आंसर है। अगर डबल की बात करेंगे तो डबल लेवल, जैसे ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में बोला है डबल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। तो अगर डबल लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ वी ग्रूव और बनेगा यहाँ पे, और डबल लेवल डबल ग्रूव की बात करेंगे एक ग्रूव यहाँ कटेगा और एक ग्रूव यहाँ कटेगा। तो इस वजह से एक आपका वी लेवल एक इधर आ गया, डबल लेवल इधर हो गया और एक ग्रूव है, एक ही ग्रूव है तो डबल ग्रूव भी हो गया। ठीक है, अगर थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो बोला है इसमें सिंगल लेवल डबल ग्रूव। सिंगल लेवल डबल ग्रूव का मतलब, सिंगल लेवल का मतलब इसमें वी जो ग्रूव है वो एक ही रहेगा। वी ग्रूव कैसा रहेगा, एक रहेगा, परंतु ये जो स्लॉट जो ग्रूव कटे हुए हैं साइड में स्लॉट्स कटे हैं ये यहाँ पे एक एक बढ़ जाएंगे, तो सिंगल लेवल डबल ग्रूव हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, 118 नंबर क्वेश्चन बोला है संयोजक सेट ब्रैकेट में लिखा है कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये पहली बात किसका डायम है, ये डायग्राम है, ये एक कॉम्बिनेशन सेट का डायग्राम है। और ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए है रूल, ऑप्शन नंबर बी स्क्राइबर, ऑप्शन नंबर सी क्लैंप नट या ऑप्शन नंबर डी स्प्लिट लेवल। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है स्क्राइबर, ऑप्शन नंबर बी स्क्राइबर इसका राइट आंसर है। ठीक है,
इससे संबंधित अगर आपको अदर डिटेल चाहिए तो मैंने पिछली जो वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने कॉम्बिनेशन सेट के बारे में बहुत डीप जानकारी दी है, इनके सभी पार्ट्स जो हैं उसके बारे में जानकारी दी है, वहाँ जाकर आप इसके डिटेल को जान सकते हो। चलिए चलते हैं आगे। 119 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी जैनी कैलिपर, ऑप्शन नंबर सी वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन नंबर डी आउटसाइड कैलिपर। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये बात कर रहा है यहाँ राउंड बार की। राउंड बार का हमको सेंटर निकालना है, तो जब भी हम राउंड बार का सेंटर निकालेंगे तो हम लोग यूज़ करते हैं जैनी कैलिपर का। और जैनी कैलिपर का अदर नेम क्या होता है? ऑड लेग कैलिपर या फिर बेंड लेग कैलिपर। इसका ऑड लेग या बेंड लेग कैलिपर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका एक लेग जो होता है, जो जैनी कैलिपर होता है उसका एक लेग जो होता है मुड़ा हुआ होता है, दूसरा सिरा नोकदार होता है। तो मुड़े हुए सिरे को सरफेस पर सहारा देते हैं और जो नोकीला सिरा होता है उससे सेंटर पे हम लोग मार्क करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। 119 के बाद चलते हैं हम लोग आगे 120 नंबर क्वेश्चन में। 120 नंबर क्वेश्चन बोला है, छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम बताइए। पहली बात, ये ए नहीं लिखा है यहाँ पे, जो लिखा हुआ है ये ए नहीं है, ये जो ये लिखा हुआ है, जो ये लिखा है आपका अल्फा, ये ए नहीं है, ये है अल्फा। ये अल्फा के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है। ऑप्शन नंबर ए है रैक एंगल, ऑप्शन नंबर बी वेज एंगल, ऑप्शन नंबर सी कटिंग एंगल, और ऑप्शन नंबर डी निकास एंगल, जिसे हम क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ए क्या, यहाँ अल्फा क्या दिखा रहा है? ये अल्फा जो है हमारा क्लियरेंस एंगल होता है, ये हमारा रैक एंगल होता है, और ये हमारा होता है पॉइंट एंगल, जिसे हम, और ये जो एंगल की बात कर रहा है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया, वहाँ जाके आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप जाके इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर फिर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 121 नंबर क्वेश्चन में। इसमें बोला है घुमावदार ग्रूव्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लैट छेनी, ऑप्शन नंबर बी वेब छेनी, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस कट छेनी, और ऑप्शन नंबर डी हाफ राउंड नोस चीजल। तो 121 का जो राइट आंसर है, आपका ऑप्शन नंबर डी हाफ राउंड नोज चीजल। हाफ राउंड नोज चीजल का यूज़ किया जाता है जो घुमावदार ग्रूव्स होते हैं उनको काटने में किया जाता है। फ्लैट छेनी का कहाँ यूज़ किया जाता है? जो फ्लैट चीजल होती है उसका यूज़ हम लोग करते हैं वेल्डिंग, जहाँ पे वेल्डिंग हो, या फिर हमको फोर्जिंग जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे चिपिंग प्रोसेस के लिए हम लोग करते हैं। वेब चीजल की बात करें तो वेब चीजल का कहाँ यूज़ होता है? जहाँ पे हमको चेन ड्रिलिंग करनी हो वहाँ पे हम लोग वेब चीजल का यूज़ करते हैं। क्रॉस कट चीजल का कहाँ यूज़ करते हैं? जो क्रॉस कट चीजल होती है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं कीवे काटने के लिए, कीवे या ग्रूव काटने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन में। 122 में बोला है मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने हथौड़े का वजन कितना होता है? अगर हमको मार्किंग करनी है तो हम किस हैमर का यूज़ करते हैं और उसका वज़न कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 200 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 250 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 300 ग्राम, और ऑप्शन नंबर डी 450 ग्राम। तो पहली बात, जो मार्किंग हम लोग करेंगे तो वो किस हैमर से करते हैं? मार्किंग करते हैं हम लोग बॉल पिन हैमर से, और उसका वज़न जो होता है वो होता है 250 ग्राम। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 250 ग्राम। 123 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? अगर हम लोग डायगोनल फाइलिंग कर रहे हैं और गलत मेथड अगर हम लोग लगाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है असमान फिनिश सतह प्राप्त होगी, ऑप्शन नंबर बी सतह पर खरोचे आएंगी, ऑप्शन नंबर सी सतह
पर उत्तलता आएगी, या ऑप्शन नंबर डी, सतह पर सही फिनिश नहीं होगी। तो वीकर्ण फायरिंग का अगर हम अनुचित तरीका अपनाते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा तो असमान फिनिश सतह प्राप्त होगी। मतलब जो सतह हमारी होगी, जो फिनिश तो होगी लेकिन वो असमान होगी, वो समान नहीं होगी, ठीक है। और जो इसको जो आप विकर्ण फाइलिंग, डायगोनल फाइलिंग जो हम लोग बोल रहे हैं, डायगोनल फाइलिंग का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम लोग क्रॉस फाइलिंग भी बोलते हैं। क्रॉस क्रॉस फाइलिंग भी होता है, ठीक है। क्रॉस फाइलिंग भी इसको बोला जाता है, डायगोनल फाइलिंग को, ठीक है। इसका यूज़ हम कब करते हैं? इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमको कोई जॉब का जो सेंटर ऊंचा होता है तो उसको फाइलिंग करने के लिए हम लोग डायगोनल फाइलिंग का यूज़ करते हैं। इसका अगर हम लोग डायग्राम देखें तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं कैसा होता है। ये देखिए हमारा जो डायग्राम है, ये हमारा डायगोनल फाइलिंग का डायग्राम है। यहाँ देखिए एक एक बार फाइल ऐसे चल रही है, फिर ऐसा चल रही है, मतलब डायगोनल है ना, एक दूसरे के डायगोनल है, इस वजह से डायगोनल फाइलिंग है। ओके चलिए पीछे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, असमान फिनिश सरफेस प्राप्त होगी। आगे चलते हैं 124 नंबर क्वेश्चन में। 124 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस श्रेणी का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने अभी बताया था कि जो वेल्डिंग ज्वाइंट होता है और जो कास्टिंग के लिए जो छेनी यूज़ करते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, चिपिंग प्रोसेस होता है उसमें, और छेनी यूज़ करते हैं हम लोग फ्लैट छेनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 124 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लैट चीजल। तो फ्लैट चीजल का यूज़ कहाँ किया जाता है? जहाँ पे हम लोग वेल्डिंग ज्वाइंट, वेल्डिंग हो या फिर कास्टिंग में चिपिंग प्रोसेस के लिए किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं वेब छेनी। अगर वेब की बात करेंगे तो वेब की बात कहाँ होती है? जहाँ पे हम लोग को चेन ड्रिलिंग के पश्चात धातु को निकालना होता है वहाँ पे हम लोग वेब चीजल का यूज़ करते हैं। क्रॉस कट की बात करेंगे तो कीवे और ग्रूव काटने के लिए जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ क्रॉस कट का यूज़ करेंगे। हाफ राउंड नोज चीजल की बात करेंगे तो हाफ राउंड जो चीजल होती है उसका प्रयोग किया जाता है ऑयल ग्रुप्स बनाने में। इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसका मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं 125 नंबर क्वेश्चन में। 125 नंबर में क्वेश्चन बोला है, इस फाइल का नाम क्या है? ये दो डायग्राम हमको दिया है, इसका नाम पूछा है, ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए रोटरी फाइल, ऑप्शन नंबर बी टिंकर फाइल, ऑप्शन नंबर सी बैरेट फाइल, और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास क्रॉसिंग फाइल। तो पहली बात आप देखिए, ये जो फाइल होती है ये अपना जो वर्क करती है ये एक रोटेशन के थ्रू करती है, रोटेशन ले लेके ये काम करती है। दोनों फाइलें अपनी एक्स के, ये जो एक्सिस है ये इसकी एक्सिस है, एक्सिस के रोटेशन करती है अपनी एक्सिस पे, इस वजह से इसे रोटरी फाइल बोला गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अदर ये जो फाइलें आपको दिख रही हैं इसकी डिटेल मैंने पिछली वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से दी है, जिसे आप देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो को, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं 126 नंबर क्वेश्चन में। 126 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइल के फेस पर चॉक क्यों लगाया जाता है। ऑप्शन दे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पेनिट्रेशन के लिए और पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है पेनिटेशन और पिनिंग को कम करने के लिए हम लोग चॉक का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? फाइन पिच, ऐसी हेक्सा ब्लेड जिसकी फाइन पिच है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुलायम धातु को काटने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
राइट आंसर आपका है। कंड्यूट तथा अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए हम लोग फाइन पिच हेक्साब्लेड का यूज़ करते हैं। और अगर फाइन पिच हेक्साब्लेड की बात कर रहा है तो इसका पिच कितना होता है? इसका पिच जो हम लोग यूज़ करते हैं ब्लेड का 0.8, इसका यूज़ करते हैं। पिच कितनी होती है? 0.8 मिलीमीटर की इसकी पिच होती है। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखिए अदर डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे मुलायम धातु को, अगर हमको मुलायम धातु काटनी है तो कौन सी पिच वाली ब्लेड का यूज़ करेंगे? जिसकी पिच होगी हमारे पास 1.8 मिलीमीटर। 1.8 मिलीमीटर की पिच होगी तो मुलायम धातु काटेगी। और अगर हाई स्पीड स्टील की बात करें या फिर हाई कार्बन स्टील की बात करें, दोनों एक ही है। अगर हाई स्पीड और हाई कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो उस समय जो हम पिच यूज़ करेंगे वो पिच जो हमारी हो गई वो होगी 1.4 मिलीमीटर की पिच होगी इसके लिए, ठीक है। और कंड्यूट के मैंने बताया दिया है कि पिच कैसी होगी, 0.8, कंड्यूट पाइप को काटने के लिए इसकी होगी 0.8 मिलीमीटर की होगी। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 128 नंबर क्वेश्चन में। 128 में आ गया है रोम न्यूमेरिकल आपके लिए। इसमें बोला है कि M10 × 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करनी है हमको। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 8.8 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 8.7 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 8.75 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 8.65 मिलीमीटर। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ बात कर रहा है M10 × 1.25 मिलीमीटर। यहाँ पे 10 क्या है हमारा? 10 है टैप साइज है हमारा। टैप साइज हमारा कितना दे रखा है? हमारा 10 है हमारे पास। और ये जो 1.25 की बात यहाँ पे कर रहा है, ये 1.25 क्या है? ये हमारी पिच है। कितनी है? 1.25, ठीक है। और हमको निकालना क्या है? टैप ड्रिल साइज TDS हमको निकालना है। चलिए मैंने इसको सॉल्व किया है आपके लिए, चलिए वहाँ चल के देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखिए आपका डायग्राम, यहाँ क्या बोला है देखते हैं। ये देखिए क्या बोला, M10 × 1.25 वैल्यू जो हमको दे रखी थी। 10 हमारा क्या था? ये 10 क्या था हमारा? टैप डाया है हमारा। 1.25 हमारी पिच है। जब अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? टैप ड्रिल साइज इक्वल टू टैप साइज माइनस 2 × D। डी क्या है हमारे पास? ये है होती है डेप्थ होती है हमारे पास। आगे चलते हैं, वैल्यू लगाएंगे हम लोग। वैल्यू लगाएंगे तो देखिए क्या आया है। टैप ड्रिल साइज इक्वल टू टैप साइज हमने क्या बताया था? 10 है, 2 यहाँ आ गया। अगर डेप्थ की बात करें, डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.6134 × P। ये हमारा डेप्थ का फॉर्मूला होता है। तो आगे चलते हैं, वैल्यू लगाते हैं। 10 ऐसे ही आ जाएगा, 2 आ गया, और इसकी 0.16134 ऐसा आ गया। पिच की जगह पे हमको पता है पिच कितनी है, 1.25। वो वैल्यू हम लगाएंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे। 10 − 1.53 आया इस पूरे को सॉल्व करने पे। ये हमने 1.35 यहाँ रखा है। फिर इसके बाद जब माइनस करेंगे आएगा 8.47 मिलीमीटर। ये आपका क्या हो गया? यही आपका आंसर है, 8.47 मिलीमीटर। चलिए चलते हैं पीछे। अब 8.47 से जो एकदम नज़दीक है वो कौन सी वैल्यू है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 8.65। ये आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 129 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या होता है? एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए लिप, ऑप्शन नंबर बी वेब, ऑप्शन नंबर सी पॉइंट, ऑप्शन नंबर डी सेंग। तो यहाँ जो बात कर रहा है ड्रिल की बात कर रहा है, मतलब ड्रिल बिट। जो ड्रिल बिट है हमारी, उसका जो फ्लूट्स के बीच का भाग होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वेब, आपका राइट आंसर है। इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए डायग्राम है, यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये आपका फ्लूट्स वाला भाग है, ये भी फ्लूट्स वाला भाग है, और इसके जो बीच की ये जो दूरी है, ये जो बीच की दूरी है यही आपकी क्या है? ये देखिए यहाँ ये वेब कहला रही है। ये क्या है? ये आपकी वेब है, ठीक है, बीच की दूरी, ठीक। और ये देखिए आपकी मार्जिन है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ, देखिए ये आपकी मार्जिन है, जो ये थोड़ा सा देखिए उभरा हुआ पार्ट है, ये उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है। तो यही जो उभरा हुआ पार्ट होता है ये होता है हमारा मार्जिन,
ये है आपकी चीजल पॉइंट। चीजल पॉइंट आपका होता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं थोड़ा हम लोग, ये देखिए आपका पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल कहाँ से बन रहा है, ये जो ड्रिल की एक्सिस और कटिंग एज के बीच का जो एंगल होता है ये हमारा क्या है, ये पॉइंट एंगल कहलाता है। फ्लूट्स ये हैं आपके, वेब आप लोग देख ही चुके हो क्या होता है। ये आपकी टोटल लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, टोटल लेंथ है। ये आपकी डाया हो गई, ये आपके इसके बीच का कितना हो गया, ये आपका डायामीटर हो गया। ये आपकी हो गई शैंक, ये आपकी कितनी है, शैंक हो गई, ठीक। इतनी डिटेल हम आप लोग देख लिए होंगे, जान लिए होंगे। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। 130 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस 1 ईयर बेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या होगी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ये देखिए डायग्राम दिया है हमको। ये पहली बात तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी होगी मेन स्केल है। ये आपकी कैसी है, ये आपकी मेन स्केल, ये आपकी क्या है, 1 ईयर स्केल है। यहाँ आप देखोगे तो जो रीडिंग हो रहा है, डायरेक्शन क्या दे रखा है, एंटी क्लॉक, मतलब लेफ्ट साइड में जा रहा है, मतलब ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है। अब यहाँ देखते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे ये जो एरो आपका बना हुआ है, ये एरो जो आपको दिख रहा है ये कितने पे दिख रहा है, ये हमारा 20। यहाँ देखिए ये 0 से 10 और फिर 20, तो 20 के बाद कितना जा रहा है, 21, 22, मतलब 22 डिग्री पे आपका है। तो 22 डिग्री आपकी क्या होगी, 22 डिग्री जो हमारी है वो है आपकी मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल कितनी है, 22 डिग्री है। फिर इसके बाद देखते हैं ये 0 वाला नीचे वाले, अब इसको आप छोड़ दोगे। अब ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ देखिए ये 0 है, फिर इसके बाद एरो ये लगा है आपका, एरो क्या लगा है, ये लगा है, कितने पे लगा है, 30 पे। तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई, 30, और ये कितने में होती है, मिनट में होती है, ठीक है। तो 1 ईयर स्केल जो रीडिंग है वो कितनी है हमारी, 30 मिनट। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर बात करेंगे टोटल वैल्यू यहाँ पे आ गई जो 22 डिग्री 30 मिनट। लेकिन ये आपका आंसर अभी नहीं है, क्यों नहीं है देखिए बताता हूँ मैं। यहाँ आप देखिए ये 0 की अगर हम लेंगे तो 0 का इस साइड हमारा क्या क्या होगा, क्लॉक होगा, ये होगा एंटी क्लॉक होगा। तो एंटी क्लॉक वाइज जब डायरेक्शन हम लोग रीडिंग लेते हैं तो उसके लिए हम लोग 180 से वैल्यू को माइनस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 180 डिग्री से हम लोग माइनस करेंगे 22 डिग्री और 30 मिनट, तो वैल्यू हमारी कितनी जितनी आएगी वो वैल्यू कितना माइनस करेंगे हम लोग, 180 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट हम लोग माइनस करेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी, जो वैल्यू आएगी वन आएगी वो आएगी 157 डिग्री 30 मिनट। ये आपका आंसर है, माइनस आपको करना पड़ेगा। जब भी एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग लोगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा 180 से। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 131 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।